देखिए कहीं पर रोड कंजेस्टेड है ना, तो पहले ही गाड़ी को आप रोक दीजिए। अगर आप न्यूट्रल पे नहीं करेंगे ना, तो भाई आपकी गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ना, डिवाइडर से ज्यादा चिपक के आपको नहीं चलाना है। आप जिस तरफ आपको गाड़ी मोड़नी है, आपको उसी तरफ का जजमेंट लेना है। ये जितना पिलर से बाहर होगी ना, उतना ज्यादा मेरे और इसके बीच में डिस्टेंस रहेगा। देखिए फ्लाईओवर में भी कई लोगों को दिक्कत आती है, वो लोग जब ऑनकमिंग ट्रैफिक बीच में डिवाइडर नहीं होता ना, उन्हें दिक्कत होती है। अपनी गाड़ी के आपको टायरों की डायरेक्शन जैसे पता करनी है लेफ्ट राइट जजमेंट से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, तो जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप पहली पहली बार गाड़ी लेके निकल रहे हैं। क्योंकि अगर आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है गाड़ी चलाने में। कैसे कैसे आपको ओवरटेक करना है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जिससे आप गाड़ी जब रोक रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो और आप इजिली गाड़ी को कहीं पर भी लगा सकें, तो वो सारी चीजें इसी वीडियो में कवर करेंगे कि अगर आप नए नए ड्राइवर हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आप रोड पे गाड़ी लेके निकल रहे हैं, कैसे कैसे आपको इजिली गाड़ी को जज करना है, कैसे ओवरटेक करना है और क्या चीजें ध्यान रखनी है जिससे मिस्टेक ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, गाड़ी आप चलाना सीख रहे हैं ना, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। देखिए कहीं पर रोड कंजेस्टेड है ना, तो पहले ही गाड़ी को आप रोक दीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो आप खुद ही फंस सकते हैं। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। मतलब गाड़ी चलाते हुए आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो रोड पर आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप पेशेंस लेके चलेंगे ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए संकरी रोड है ना, इसमें भाई कोने का जजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस टाइम पे पतली गलियों में क्या होता है कि आपको साइड लेने का थोड़ा सा मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप जो है गाड़ी थोड़ा कम स्पीड में चलाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए, देखिए जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना, हमारे मन में बस एक ही चीज़ होती है कि हमारी गाड़ी जो है बंद नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब हम गाड़ी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं ना, तो ये चीज़ सभी के मन में आती है और ये चीज़ नेचुरल भी है। क्योंकि देखिए सबसे मुश्किल काम जो है ना, जब भी हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, वो यही होता है कि भाई हमारी गाड़ी झटका लेके बंद ना हो जाए। अब देखिए वो होता क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए अब मुझे कहीं पर स्पीड बहुत ज़्यादा कम करनी है ना, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट करूँगा गियर और ब्रेक लूँगा। अब ब्रेक लेने के बाद ना, जल्दबाजी में हम क्या गलती कर देते हैं कि हम अपनी गाड़ी के ना क्लच प्रेस नहीं करते हैं टाइम पे। अब क्लच अगर प्रेस नहीं होगा और आप ब्रेक दबाए रखेंगे, मतलब आपने स्पीड बहुत ज़्यादा कम कर दी, तो एक मिनिमम आरपीएम के बाद ना गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। क्योंकि भाई गाड़ी को जब आप स्लो करते हैं ना, तो गाड़ी को न्यूट्रल में करना ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रल पे नहीं करेंगे ना, तो भाई आपकी गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना, क्लच की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। क्लच को आपको भाई टाइम रहते हमेशा प्रेस करना है। जब भी आपकी गाड़ी की स्पीड जो है सडन से नीचे आएगी, मतलब जब आपकी गाड़ी की स्पीड सडनली कम होगी या फिर आप गाड़ी रोक रहे हैं साइड पे, तो आपको लास्ट में हमेशा क्लच जो है दबाना ज़रूरी है। अब जजमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट और राइट जजमेंट ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। साथ ही साथ फ्रंट जजमेंट जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रंट जजमेंट ना आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोड पे, क्योंकि भाई आप चाहे ओवरटेक कर रहे हैं, चाहे आप स्लो चल रहे हैं ना, आपको सामने वाली गाड़ी से जो है जजमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप जजमेंट नहीं करेंगे ना, तो भाई किसी भी सिचुएशन में आपकी गाड़ी जो है टच हो सकती है। अगर सामने वाले ने सडन ब्रेकिंग कर दी या आप ओवरटेक कर रहे हैं पर आपको आइडिया नहीं है कि आपने कितनी दूरी पर गाड़ी को ओवरटेक करा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सामने से अगर मुझे टर्न लेना है ना, तो मुझे जजमेंट लेना बहुत ज़रूरी है रोड का। साइड का जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी आप कोई टर्न लेंगे ना, तो टर्न पे जो है आपको साइड का जजमेंट लेना है जिस तरफ आप गाड़ी टर्न कर रहे हैं। आप देखिए मैं अभी इस टाइम राइट की तरफ टर्न कर रहा हूँ ना, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको दोनों तरफ देखना ज़रूरी है। क्योंकि भाई कोई गाड़ी कहीं से भी आ सकती है और डिवाइडर से ज़्यादा चिपक के आपको नहीं चलाना है। राइट का जजमेंट मैंने आपको क्यों बताया, देखिए जब भी आप गाड़ी के राइट का जजमेंट लेंगे ना, जिस तरफ आपको गाड़ी मोड़नी है, आपको उसी तरफ का जजमेंट लेना है। मतलब उस तरफ आपको गाड़ी बचानी है। और जब आप सामने वाली गाड़ी से जिस साइड से निकल रहे हैं, सपोज आप सामने वाली गाड़ी के लेफ्ट साइड से निकल रहे हैं, तो भाई लेफ्ट साइड से अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं ना, तो आपको राइट साइड बचानी ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर आप दिमाग में रखेंगे ना, तो आपकी गाड़ी किसी भी सिचुएशन में नहीं फंसेगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए रोड पे कोई सी भी चीज़ कभी भी आ सकती है। अब जानवर आते हैं, लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, उनको बचाने के लिए आपको अपने जो है ब्रेक पे ध्यान ज़रूर होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में आपको ब्रेक लेने पड़ सकते हैं। अगर आप सडन ब्रेकिंग ले रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ आपको जो है अपना क्लच भी प्रेस करना है टाइम रहते हुए। अगर आप सिर्फ स्लो कर रहे हैं, देखिए अभी ये यहाँ पर एक क्रॉसिंग है, देखिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं,
तो मैं क्या करूँगा, हल्की सी मैंने गाड़ी की स्पीड कम करी है। अब देखिए मैंने ज़्यादा रिड्यूस नहीं करी है, देखिए थोड़ा सा ही ड्रॉप हुई है। अब फिर उसके बाद मैं दोबारा से कंटिन्यू कर सकता हूँ। पर अगर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ती है, अगर मैंने गाड़ी को अपने कंप्लीटली रोकना है ना, उस टाइम पे मुझे क्लच दबाना ज़रूरी है लास्ट में। अगर मैं क्लच नहीं दबाऊंगा ना तो दिक्कत होगी भाई, और मैं अपनी गाड़ी को टाइम रहते नहीं रोक पाऊंगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो रोड पर चलते हुए गाड़ी का अच्छे से जजमेंट कर पाएंगे, दिक्कत आपको नहीं होगी, और आइडिया भी आप अच्छे से ले पाएंगे किसी भी सिचुएशन का। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए जब भी आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं ना, कभी भी रॉन्ग साइड पे आप चल रहे हैं ना, तो एक डायरेक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका जजमेंट, वो होता है आपका राइट साइड का। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए जो भी गाड़ी ओवरटेक करेगी ना, राइट साइड से देखिए मेरे कॉर्नर पिलर से जब तक बाहर है ना वो सेफ है, उसको मतलब आपको अवॉइड करना है क्लोज जाने से, मतलब आप किसी गाड़ी के नजदीक मत निकलिए। अगर वो ओवरटेक कर रही है आप थोड़ा सा और साइड कर सकते हैं अगर ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस से निकल रही है, पर ओवरटेक करने का वही नियम है। देखिए आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं ना, आपको उसे अपने जो राइट पिलर है ना इससे बाहर करना है। देखिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई, दो गाड़ियाँ हैं, अब मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्पेस नहीं मिलेगा। वो गाड़ी मेरे कॉर्नर के राइट में है, मतलब बाहर है वहाँ से, तो सेफ है। अब देखिए मुझे थोड़ा सा लाइन जंप करनी पड़ेगी। अब देखिए ये सेंटर के लेफ्ट में आ गई, तो इस गाड़ी को मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। ऐसे ही आपको लेफ्ट राइट जजमेंट का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है हाईवे पे जब भी आप चल रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए दिक्कत कभी भी आ सकती है। और आपको ये जजमेंट की देखिए, अब इसने सडन ब्रेकिंग करी ना, तो मुझको अपने ब्रेक पे भी कंट्रोल रखना है किसी भी सिचुएशन में कि दिक्कत ना आए। अब ये देखिए बस जो है सेंटर के लेफ्ट में है, तो मैं ईजिली जो है इसको ओवरटेक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है। अब ये गाड़ी देखिए, इसको मैं कॉर्नर पिलर के राइट में करूँगा। देखिए ये जितना पिलर से बाहर होगी ना उतना ज्यादा मेरे और इसके बीच में डिस्टेंस रहेगा। देखिए ऐसे ही आपको गाड़ी को चलाना है, धीरे धीरे आप गाड़ियों से जजमेंट लेते रहिए। जो मैंने चीजें आपको बताई थी ना, आपको उसी हिसाब से गाड़ी को चलाना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। अब देखिए यहां पर एक क्रॉसिंग है, तो यहां पर मुझे अपनी गाड़ी को स्लो करना है। आप हमेशा ध्यान रखें जो क्रॉस कर रहे हैं ना उसको आपको प्रायोरिटी देनी है कि वो गाड़ी को टर्न कर ले, उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी को निकाले। और लेफ्ट राइट जजमेंट चाहे कोई ऑब्जेक्ट ही हो, देखिए ये ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, इसको मुझे अपने राइट साइड से बाहर करना है। देखिए जितना वो बाहर रहेगा ना उतना सेफ मैं ओवरटेक कर पाऊंगा। वही चीज़ मतलब ऐसा नहीं गाड़ी में ही अप्लाई होनी है, ये जो डिवाइडर है ना इसमें भी आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वाइट लाइन है ना, ये जब तक इस कॉर्नर से बाहर रहेगी आपकी गाड़ी में देखिए सेफ डिस्टेंस बना रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप ज़्यादा क्लोज चलेंगे ना डिवाइडर के, तो आपको देखिए दिक्कत होगी। अब सामने वाली गाड़ी को देखो मुझे ओवरटेक करना है, पीछे भी गाड़ी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे ओवरटेक करना है। अब देखिए इस गाड़ी को मैं धीरे धीरे अपने पिलर के राइट में लाऊंगा। देखिए निकल गई ना, अब देखिए कितना क्लोज मैंने ओवरटेक करा है। देखिए बस इसी तरह से आपको गाड़ियों को जज करना है, मतलब जजमेंट आपको लेना है गाड़ियों का, और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे स्पीड में चल रहे हैं चाहे आप स्लो चल रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप फास्ट चल रहे हैं ना तो आपको राइट साइड चलना ज़रूरी है, अगर आप स्लो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आप लेफ्ट साइड से भी काम चला सकते हैं। अब देखिए एक और क्रॉसिंग आ चुकी है। अब देखिए लोग उल्टा भी आते हैं रोड पे कई बार, इनका भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये स्कूटी वाली जो है ना, अभी मैं इसे ओवरटेक नहीं कर सकता, ये मेरे सेंटर के राइट की तरफ है, इसको मुझे लेफ्ट की तरफ करना है। देखिए इस टाइम मैं इसे आगे निकल सकता हूँ ईजिली, मुझे दिक्कत नहीं होगी। फ्लाईओवर में भी कई लोगों को दिक्कत आती है, वो लोग जब ऑनकमिंग ट्रैफिक बीच में डिवाइडर नहीं होता ना उन्हें दिक्कत होती है। अब इस चीज़ का भी आप अंदाज़ा लेते रहिए। देखिए बीच में एक सेंटर लाइन ज़रूर होगी वाइट की, अगर आपको फ्लाईओवर में चलना है सेफली तो ये ट्रिक आपको हमेशा अपनानी पड़ेगी कि आपका जो राइट साइड का टायर का मार्जिन, जो जजमेंट मैंने आपको बताया था ना स्टेयरिंग व्हील से, वो आपको थोड़ा सा बचाते हुए चलना है। मतलब आपको बिल्कुल मैच नहीं करना है जो वाइट लाइन है ना, इससे आपको थोड़ा सा गैप लेके मतलब अंदर की तरफ चलना है, जिससे कि सामने वाली गाड़ी जो आएगी ना आप इजिली जज कर सकते हैं उसके टायर से कि उसके टायर भाई वाइट लाइन के कितना ज्यादा राइट की तरफ, मतलब वो कितना अपनी लाइन पे है, उससे आप इजीली अपनी गाड़ी को स्टीयर कर सकते हैं, इजीली आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि भाई देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कंजेस्टेड जगह में जब हम ओवरटेक करते हैं हमें थोड़ा सा अंदाजा नहीं होता है। आपको भाई करना क्या है, अपनी गाड़ी के आपको टायरों की डायरेक्शन जैसे पता करनी है लेफ्ट राइट जजमेंट से, आप पता कर सकते हैं लेफ्ट टायर आपके जो है सेंटर जजमेंट है ना इस पे होंगे, जो है सेंटर लाइन आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और राइट साइड के टायर आपके जो हैं वो यहाँ पर ही, जो स्टीयरिंग व्हील का राइट है ना इससे आप मैच कर सकते हैं। फिर धीरे से आपको अपनी गाड़ी का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी गाड़ी एक्चुअल में है कहाँ। अब देखिए अब जब अपनी आपको अपनी गाड़ी के टायर का अंदाज़ा हो जाएगा ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी चाहे आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं या आप भाई सामने वाली गाड़ी को पास दे रहे हैं। अब देखिए इस गाड़ी को मुझे सेंटर के लेफ्ट में करना है। देखिए
ईजिली मैं इसे ओवरटेक कर सकता हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे गाड़ियाँ लेफ्ट राइट चिपक के चल रही हैं, मैं अंदाज़ा ले सकता हूँ कि गैप है या नहीं है और मुझे कितने स्पेस में गाड़ी को निकालना है। थोड़ा बहुत आपको एंटिसिपेट भी करना पड़ेगा। अब देखिए सामने वाली गाड़ी वाले ने ना लेन जंप करी थोड़ी सी और इसने बिना किसी पास लाइट के ये करा है, तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। फोन पे लगे रहते हैं लोग ना गाड़ी चलाते हुए, देखिए तो यही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है रोड पे जब आप चलेंगे ना। अब देखिए जब आप स्लो चलते हैं ज़्यादा, आपको लेफ्ट में मैंने बताया था, पर जैसे टू व्हीलर भी चल रहे हैं ना वहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको उनको बचाते हुए भी चलना है जिससे कि दिक्कत नहीं होगी। सामने वाली गाड़ी से स्पेस लेके रखिए, ईजिली आप ओवरटेक कर पाएंगे। अब देखिए ओवरटेक में आपको दिखा रहता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है, मैंने कहा था बम्पर का मार्जिन लेना है। और देखिए इसको मैं अपने राइट की तरफ निकालूंगा। और देखिए ये व्हाइट लाइन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए अभी मैं अपने राइट टायर इससे मैच करने की कोशिश करूंगा ना, तो देखिए मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज जा रही है कॉर्नर के, आपकी गाड़ी कोने से टकरा सकती है। तो यस ये वाली जो राइट वाली साइड है ना इससे आपको सेफ रखना है। लेफ्ट साइड जो है थोड़ा फिर भी सेफ होती है, उसमें आप गाड़ी को थोड़ा बहुत मार्जिन लेके बाहर की तरफ दबा सकते हैं, पर जो राइट साइड है ना ये डेंजरस होती है, यहाँ पर आप स्पेस नहीं होता है ज़्यादा, इस साइड पर आपको नहीं चलना है वरना एक्सीडेंट हो सकता है। अब साइड में देखिए अगर आपको गाड़ी रोकनी है, सपोज मुझे गाड़ी रोकनी है, मुझे कम से कम 10 सेकंड पहले ही अपना इंडिकेटर देना है जिससे पीछे कोई गाड़ी होगी ना तो वो पहले अलर्ट हो जाएगी। अब देखिए धीरे धीरे, ऐसा नहीं आपको सडन ब्रेकिंग ही पे लेनी है, आपको अगर वहां पे रुकना है तो थोड़ा सा पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए अब मैं गाड़ी को स्लो करूंगा और कोशिश करें जब भी आप गाड़ी रोके ना व्हाइट लाइन के पूरा बाहर की तरफ आपको रोकनी है जितना हो सके। अब देखिए लेफ्ट टायर का मैंने आइडिया ले लिया था कि लेफ्ट टायर कहां पर है, और ऐसे ही आपको जज करना है अपनी गाड़ी को जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं। यही वो रूल है जिससे भाई गाड़ी चलाते हुए आप सेफ रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मेरा जो टायर है ना ये व्हाइट लाइन के अंदर है, मैंने कैसे जज करा भाई, मेरे स्टेयरिंग का जो राइट है ना देखिए ये बिल्कुल जो यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है ना वो पॉइंट जो है ये व्हाइट लाइन आप देख सकते हैं, कैमरे में थोड़ा आगे पीछे हो सकती है पर ये मेरी आंखों की पोजिशन है। देखिए थोड़ा सा ये अंदर है उससे, तो मेरे जो टायर है ना भाई देखिए व्हाइट लाइन के अंदर है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही बिना गाड़ी से उतरे आप जज कर सकते हैं गाड़ी का कि भाई गाड़ी आपकी कैसी पोजीशन में खड़ी है, टायर आपके कहां पर हैं, व्हाइट लाइन से अंदर है या व्हाइट लाइन से बाहर है, इजीली आप जज कर सकते हैं। सामने कोई गाड़ी खड़ी है उससे भी इजीली आप ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार करके कि भाई इजीली आप गाड़ी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे और निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये जेसीबी के पीछे मैंने गाड़ी लगाई, देखिए थोड़ा कैमरे में ऊपर नीचे हो सकता है पर भाई मेरी आंखों के हिसाब से बिल्कुल अलाइंड हो चुका है। थोड़ा सा और स्पेस थोड़ा सा मैं और आगे कर सकता हूँ, ये देखिए। अब देखिए ये आंखों का एंगल थोड़ा सा नीचे है ना, कैमरा थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा होगा आपको, पर वो जो उसका बॉर्डर लाइन है ना उससे मैच हो चुका है। अब मुझे राइट निकालना है ना, तो राइट की तरफ मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा और देखिए एक ही बार में गाड़ी निकल जाएगी क्लोज कॉन्टैक्ट से। अब देखिए कितना क्लोज निकली है आप इसमें मिरर में देख सकते हैं, ये देखिए। इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी को निकालना है जब आप कॉर्नर पे लगाएंगे, स्पेस अगर आप छोड़ेंगे ना आगे अपनी गाड़ी के तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। सेंटर में कोई भी चीज़ खड़ी है आप देखिए ये है ना, इसको भी सेंटर के लेफ्ट में रखूंगा जब तक, तो मेरी गाड़ी ईजिली इससे क्रॉस हो जाएगी। देखिए अभी लेफ्ट में है ना, देखिए ईजिली निकल गई बिना टकराए, कोई दिक्कत नहीं हुई, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जजमेंट अगर आपको आ गया ना ये वाला तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल को आराम से क्रॉस कर जाएंगे बिना गाड़ी को रोके या बिना घबराए हुए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको जजमेंट नहीं आएगा तो आप सडन ब्रेक ले सकते हैं जिससे पीछे वाला भी आपसे टकरा सकता है, तो ये जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। धीरे धीरे चलते रहें और ऐसे ही आप रोड पे जो है अपना हाथ जो है अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। अब देखिए सेंटर मुझे अपना पता करना है, देखिए ये व्हाइट लाइन से मैंने अलाइन करा तो मेरा टायर जो है भी लेफ्ट वाला बिल्कुल सेंटर पे है। अब मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ जाता हूँ। अब देखिए राइट टायर का पता करना है, ये मैं डायरेक्शन से मैच करूंगा। देखिए मेरा भी राइट टायर बिल्कुल व्हाइट लाइन के ऊपर है, आप देख सकते हैं ये व्हाइट लाइन से बिल्कुल मैच है। देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कैसे आपको बचाना है। देखिए मैंने टर्न सिग्नल यूज़ करा रुकने से पहले और इस गाड़ी के पीछे में बिल्कुल अपनी गाड़ी को लगा दूंगा। देखिए अब बम्पर से मुझे मैच करना है, देखिए ये देखिए थोड़ा कैमरा जो है ना मेरा एक्चुअली ऊपर प्लेस रहना, तो ये थोड़ा सा कम से कम 4 उंगली का गैप दिखाता है, तो आपको जो बम्पर की जो एज लाइन है ना जहाँ पर बोनट मीट करता है वहाँ पर आपको मैच करना है, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जिस तरफ निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे अभी अपने राइट साइड पे निकालना है तो लेफ्ट का जजमेंट लेना है। देखिए जैसे ही आगे वाली गाड़ी सेंटर के लेफ्ट में चली जाएगी ना, ये देखिए अब मैं स्टीयरिंग व्हील अपना सीधा कर सकता हूँ और मेरी गाड़ी एक बार में निकल जाएगी। देखिए आप डिस्टेंस देखिएगा बगल में, ये देखिए
एक फिट का डिस्टेंस भी नहीं था और ऐसे ही आप क्लोज पार्किंग कर सकते हैं, क्लोज किसी गाड़ी के निकाल सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि जब आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कैसे आपको इजीली जजमेंट करना है गाड़ी का बिना किसी परेशानी के। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जजमेंट को लेके और गाड़ी चलाने को लेके। और कोई अगर आपके मन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।